डे 11th ऑफ रमजान फिश कटलेट बताऊंगी, जो कोस्टल साइड रहने वाले लोग हैं बॉम्बे गोवा मैंगलोर जो फ्रेश मच्छी खाने की आदत रखते हैं उनको जाहिरी बात है कि उनको टूना टिंड वाला पसंद नहीं आता, आई एम वन ऑफ देम, बट ये रेसिपी इज अमेजिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड इट्स वेरी नाइस रॉपचिक इट इज, इतना बोलने के बाद में अच्छा बनना चाहिए इंशाल्लाह। कमाल शो यू द रेसिपी। हेल्थ टिप, डोंट ओवर इंडल्ज ड्यूरिंग इफ्तार। Start off with a date and some water to get your stomach ready for the onslaught of food coming its way. Try and stay away from deep fried foods as much as possible. Good deed. Spend time with your younger siblings. To you, you are just one person in the world. To them, you are the world. Teach them to pray, read Quran with them, give them all your attention. They'll remember these times and be grateful for them. None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And now it's recipe time. Pure ingredients maine list kar diye hain. Ek jo green paste dikh raha hai wo ginger garlic aur green chili mixed paste hai. 1:1:1 वाला, 1:1:1 वाला रेशियो। बटर डालेंगे, मैंने ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है बटर में फ़िश फ्राई करने की, थोड़ी सी मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो टूना था वो विथ ऑयल वाला टूना नहीं था, यूजुअली विथ ऑयल वाला टूना आता है, मैंने लिया था विथ वाटर वाला, तो बहुत ड्राई हो जाता है, तो आपका विथ ऑयल वाला टूना है तो ये स्टेप आप बिना बटर के कीजिए, थोड़ा तवे पे उसको रोस्ट कर लीजिएगा, ओके। एंड ऐसे शेप्स बनाना है, उसके बाद हाथ में थपा थपा के आप पूरी कलाकारी दिखाओ, पूरे शौक से बनाओ। एग वाइट एंड इसके साथ, सॉरी एग वॉश एंड इसके साथ हो गया ब्रेड क्रम्स, फिर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फ्राई करेंगे, हाई आंच पे फ्राई करना है क्योंकि अंदर से सब कुछ पका हुआ है, आपको ऊपर से सिर्फ गोल्डन करना है, दैट्स ऑल। हमेशा एक कबाब बच जाता है बीच में, ना जगह नहीं मिलती उसको, लोनली। बस इसको हाई फ्लेम पर आपने आंच लगाना है और क्रिस्पी बनाना है, एंड योर फिश कटलेट इज रेडी। आप फिश का रेशियो थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने आज थोड़ा कम रखा था फिश का रेशियो, आई डोंट नो व्हाई, बट फिश का रेशियो ज़्यादा रखो तो ज़्यादा टेस्ट आता है। मेरा आलू थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था आज, थोड़ा सा लाइक हाफ पीस ज़्यादा हो गया था, हाफ या वन पीस। ओके, नाउ द कबाब विल डू सम मॉडलिंग। बाय बाय।